हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति स्पेशल बना रही हूँ रेसिपी। और ये रेसिपी देखिए, तीन तरह की रेसिपी है फ्रेंड्स। यहाँ मैं लड्डू बना रही हूँ, ये पोहे के हैं, चिक्की हैं ये मूंगफली के, और यहाँ फड़ी के जो बनते हैं लड्डू वो भी है। ये तीन तरह के लड्डू बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को फुल ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कीजिएगा। और देखिए, चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मूंगफली ली हूँ। मूंगफली के इसकी चिक्की फुल रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है फ्रेंड्स, जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर वहाँ देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फरी ली हूँ, और ये चूड़ा है, चूड़ा जो कि मार्केट में मिल जाते हैं, ये भूगा हुआ है, तो उस वो 1 kg ली हूँ। उसी हिसाब से गुड़ भी ले रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने मूंगफली को फ्राई कर ली हूँ। इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए, रोस्ट करने के बाद इसको ग्लास की मदद से इसके सारे छिलके निकाल देना है, और इसको साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ साफ़ करने के बाद इसको रखते हैं, पानी लेने के बाद चलते हैं किचन से। आप ये चिक्की बना रही हो, तो यहाँ टोटल मैंने ली है 3 kg सारे ये मूँगफली और चूड़ा है, तो उसी हिसाब से गुड़ लेना है। तो मैं यहाँ 1.5 kg गुड़ ले रही हूँ। और देखिए, पानी खोल गया है, 200 ग्राम पानी डाली हूँ। और देखिए, उसके बाद पानी खोलने के बाद मैं यहाँ गुड़ को डाल दी हूँ, और गुड़ अच्छे से खोल जाए। देखिए, अच्छे से ये खोल गया है। इसको बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, जब डीप होने लगे तब आप इसको एक बार चेक ज़रूर करें, 1-2 बार। तो देखिए, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से बन गए हैं चूड़ा के लड्डू बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये नहीं बने, हाथ में चिपक जा रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक से नहीं बने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको फिर से 5 मिनट बाद फिर इसको चेक कर रही हूँ। तो इस बार देखिए, अच्छे से ये जेली की तरह बन गए हैं और थोड़े हार्ड हो गए हैं। तो ये तैयार है फ्रेंड्स। अब इसका गैस का फ्लेम बंद करते हैं, और इधर चूड़ा रखी हूँ साफ़ करके। ये भूगा हुआ मार्केट में मिलते हैं ऐसे चूड़े वाइट वाला, तो उसको मैं इसमें डालते हैं जल्दी से। और ये गर्म है तो हाथ से ना मिला, इसको चम्मच की मदद से या किसी इस तो फिलहाल से मदद से इसको मिला लें अच्छे से इसको अब मिला लेते हैं। और क्योंकि ये गर्म है तभी ये अच्छा से मिल जाएंगे। और देखिए, ये सारे को मिला ली हूँ मैं, दोनों बर्तन में डाली हूँ चूड़े को, तो दोनों बर्तन में इसको मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद, ये गर्म है अभी तो, अभी ये नहीं ठीक से बनेंगे, देखिए फैल जाएंगे अभी। तो हाथ में थोड़ी सी पानी भी ले लें ताकि हाथ में ना चिपके। उसके बाद अभी ये गर्म है, थोड़ी 5 मिनट को छोड़ देने के बाद ये हार्ड होने लगेंगे, तो ये जल्दी से बन जाएंगे। तो देखिए, अभी ठीक से ये नहीं बन रहे हैं, तो 4 मिनट बाद इसको फिर से बना रही हूँ। तो ये बन गए हैं, अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, थोड़ी हार्ड हो गए हैं, और उसके बाद चूड़ा का ये सारे को बना लेती हूँ, उसके बाद फड़ी वाला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बना लिए हैं, अब चलिए यहाँ फड़ी में गुड़ डाल रही हूँ, इसको भी ठीक से मिला लेंगे। बस जितना ये गुड़ ले, अच्छे से गुड़ आपके चिपकने लगे उतना ये इसमें गुड़ डालें, ताकि ये बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। देखिए, बस ये हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गुड़ भी नहीं डालें, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। बस ये देखिए, सारी बन के तैयार है फ्रेंड। अब मूँगफली जो रखी हूँ छिलका उतार के, तो उसको डालते हैं। देखिए, अच्छे से बन गए हैं, ये गीला नहीं अभी तक, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंड होते हैं तो आराम से ये गुड़ है वो जल्दी से कड़क होने लगते हैं, तो ये अच्छे से बन भी जाते हैं। थोड़ी सी ठंडा होंगे तो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद फिर ये बनेंगे भी नहीं, बिखरने लगेंगे। तो आप जल्दी से इसको बनाएं। और चलिए, इसको बनाने के बाद इधर फिर से गुड़ को थोड़ी सी गर्म किए हैं, और मूँगफली का ये चिक्की डाल दिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे चैनल में चिक्की का वीडियो पहले से अवेलेबल है, तिल के भी लड्डू बनाई हूँ, तिल की चिक्की, देखिए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही कुरकुरी, एकदम क्रिस्पी, कभी भी दांत में नहीं चिपकेंगे फ्रेंड्स। एक दो ट्रिक है जो कि आप फुल वीडियो ठीक से वॉच कीजिएगा, तो कभी भी आपकी चिक्की नहीं बिगड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, चूड़े के लड्डू और फड़ी के लड्डू और तिल चिक्की, ये सारे आप महीनों तक रख के खा सकते हो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स।